बात मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई की। आज मुलायम सिंह यादव अनंत में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नेताजी को हमेशा उनके रणनीतिक कौशल, हाजिर जवाबी, जमीनी सियासी समीकरणों से तह तक वाकिफ होने और दुश्मनों को दोस्त बना लेने की कला के लिए याद किया जाएगा। नेताजी के जाने से समाजवादी राजनीति में लोहिया युग का अंत हो गया। समाजवादी पार्टी में मुलायम अंतिम समाजवादी थे। उनके बाद सिर्फ नाम की समाजवादी पार्टी तो रहेगी, पर लोहिया का गढ़ा कोई समाजवादी नहीं रहेगा। लोहिया ने अपने हाथों से नेताजी को गढ़ा था। यहाँ आंसू है, यहाँ मातम है, यहाँ घर के मुखिया से बिछड़ने का गम है। उनचास साल की उम्र में अखिलेश के सिर से पिता का साया उठ गया, मानो आज पूरी कायनात ही रो उठी। जो पिता संबल थे, आज उन्हीं पिता को अंतिम विदाई देने की पीड़ादायक घड़ी है। जो पिता मार्गदर्शक थे, सिर का ताज थे, अखिलेश की शक्ति थे, भक्ति थे, आज वही हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। चेहरे पर लिखा दर्द पढ़कर किसी की भी आंखों से आंसुओं की गंगा फूट पड़े। हम इस वक्त मौजूद है SFI ग्राउंड में। आप देखेंगे किस तरीके से नेताजी के पार्थिव शरीर को इस वक्त जो है अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है। हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे हैं और तमाम नेताओं ने भी आज यहां पर आकर के श्रद्धांजलि दी है नेताजी धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अर्थी पर इस वक्त लेटे हुए हैं और मुलायम सिंह यादव को भरे मन से आंसुओं के साथ में आज सैफई विदा कर रहा है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बार बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, लेकिन आज उनकी विरासत को जिस तरीके से आप अखिलेश यादव आप देखेंगे उनके ठीक पीछे खड़े हैं, जो जिन्होंने धारण किए हुए हैं वो अखिलेश यादव आप देख सकते हैं। वो एक बेटे की पूरी जिम्मेदारी आज निभा रहे हैं, क्योंकि सत्ता के गलियारों में सियासी तौर पर तो विरासत को आगे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये पिता से मिले संस्कारों की शक्ति ही है कि इस घड़ी में पहाड़ जैसे दुख में, समंदर से भी गहरे गम में भी अखिलेश ने खुद को किसी तरह संभाले रखा। पीड़ा की इस घड़ी में भी हाथ जोड़कर नेताजी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे समर्थकों को सुरक्षित रहने का इशारा किया। अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से आए लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसका जिम्मा खुद संभाला। मायूस सैफई नम आंखों से अपने नेताजी मुलायम सिंह यादव को विदा कर रहा है। और अब आप देखेंगे, अगर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये जो हुजूम सैफई की जनता का निकला है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, ये नारे यहाँ लगते हुए और उन्हीं नारों के बीच, उन्हीं सैफई की जनता के बीच सामने आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे और ये रथ नजर आएगा जिसमें नेताजी का पार्थिव शरीर है। आपको अखिलेश यादव जी के साथ नजर आएंगे धर्मेंद्र यादव और पूरा यादव कुंबा आपको इकट्ठा यहाँ नजर आएगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर कि किस तरह से नेताजी की तस्वीरें आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा सैफई जो है वो इकट्ठा हो गया है। नेताजी अंतिम यात्रा पर निकले तो अंतिम दर्शनों के लिए हुजूम जुट पड़ा। सैफई में जिस तरीके से यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जो ये आप देख रहे हैं काफिला, मुलायम सिंह यादव जी अब सैफई में लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जनता उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है। पूरा रास्ता आप देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ ही भीड़ सिर्फ दिखाई पड़ रही है, लोग नम आंखों से देखना चाहते हैं। हर कोई गम में डूबा था, आज नेताजी के परिवार के गम में हर कोई शरीक था। पूरा जो मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच गया है, रथ पे उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है। सुबह से अंतिम दर्शन करने के लिए मेला ग्राउंड के कैंपस में रखा गया था और आप देख सकते हैं सामने मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर, बाबा रामदेव साथ में मौजूद है, धर्मेंद्र यादव है, अखिलेश यादव है।
अंतिम दर्शनों के बाद अखिलेश ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है अपने पिता मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर में। आप देख सकते हैं पीछे, और अंतिम संस्कार उनका शुरू हो गया है और तमाम परिवार के लोग गमगीन हैं, मौजूद हैं वहां पर। आप देख सकते हैं कि पूरा प्रक्रिया जो थी रिचुअल से उसका पूरा करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया, मुखाग्नि दी गई अखिलेश के द्वारा। परिवार के तमाम लोग, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम लोग वहां मौजूद हैं। परिवार के अभय यादव जो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, तमाम उनके रिश्तेदार यहां मौजूद हैं। मेला ग्राउंड पर जो एक मंच बनाया गया था जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।